हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ए आर्टिस्ट। सो गाइस, आज हम लोग एक ड्राइंग बनाने वाले हैं जिसमें सेंटा क्लॉस एंड सिंपल कैलीग्राफी ऑफ मैरी क्रिसमस लिखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, ये ड्राइंग बनाने के लिए हम लोग लाइट पेंसिल लेंगे, जैसे HB एंड 2B, जिसे हम लोग एक मैरी क्रिसमस लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, हम लोग ने तो मैरी क्रिसमस लिख लिया। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। इसके बाद हम लोग सेंटा क्लॉस बनाना स्टार्ट करते हैं। आप सेंटा क्लॉस का रेफरेंस फोटोग्राफ डिस्क्रिप्शन में, ये आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा। तो हम लोग इसी फोटो को देखते हुए आज का ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए। तो गाइस, ड्राइंग तो हम लोग की कंप्लीट हो गई। तो इस ड्राइंग को अच्छा दिखाने के लिए हम लोग इस पर अब हल्का हल्का शेडिंग करेंगे। शेडिंग करने के लिए मैं थोड़ा डार्क पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे 4B या 3B भी आप ले सकते हैं। तो ये इसी दो पेंसिल का यूज़ करके पहले मैं कैप पे शेडिंग करूँगा, फिर बाद में अलग जगह पर शेडिंग करूँगा। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, कैप की तो सेटिंग हो गई, हम लोग अब बियर्ड पे सेटिंग करेंगे। तो बियर्ड पे हम लोग हल्की पेंसिल से शेडिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग स्केच बना रहे हैं इसलिए डार्क पेंसिल का यूज़ नहीं करेंगे। तो बियर्ड भी हो गई, तो हम लोग अब कोट पे आते हैं। कोट पे हम लोग ज़्यादा शेडिंग नहीं, हल्की हल्की शेडिंग ही करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, कोट के बाद हम लोग शूज़ भी हल्के हल्के कर देते हैं। तो शूज़ पे भी हम लोग उसी पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे जो पेंसिल हम लोग कोट पे इस्तेमाल किए हैं। शूज़ पे भी हम लोग शेडिंग करते हैं। सो गाइस, आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड को मैरी क्रिसमस के लिए ये वीडियो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। एंड मेरे तरफ से आप सभी को मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस एंड एडवांस हैप्पी न्यू ईयर।